गुड मॉर्निंग क्लास 12। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है मॉडर्न आर्ट एंड आर्टिस्ट, जो आधुनिक कला है कलाकार। इसके तीन टॉपिक कवर करेंगे हम इस वीडियो में। पहला है कलकत्ता कला समूह, यानी कि कलकत्ता आर्ट ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और शिल्पी चैप्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा बुक है, बुक का पेज नंबर 56। हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक कला से कलाकार। 1940 के दशक में भारतीय कला जगत में बंगाल शैली की पारंपरिक रूढ़िवादिता के विरोध में अनेक कलाकारों ने पाश्चात्य नव विचारों से प्रभावित होकर अपने को स्वतंत्र रूप से नए माध्यमों एवं नई शैलियों में अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से नए कला संगठनों का गठन किया, जिसमें कलकत्ता कला समूह, बंबई पैक समूह, शिल्पी चक्र आदि महत्वपूर्ण रहे। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कलकत्ता स्कूल के बारे में पढ़ा था, जो कलकत्ता में जो जितने चित्रकार पढ़े थे उन सबके बारे में पढ़ा था। उन्होंने किस चीज को पहले, जो पुरानी हमारी जो पद्धति चलती आ रही है, चित्र शैली चलती आ रही है, उसी को बढ़ावा देने पर उन्होंने जोर दिया था। और पाश्चात्य संस्कृति आ चुकी थी तो उसमें भी कई चित्र बनने लगे थे, लेकिन जो कलकत्ता बंगाल स्कूल के जो चित्रकार थे उन्होंने उसको महत्व कम दिया था। फिर उसका बाद में 1940 में विरोध होने लगा बंगाल शैली का, और जो हमारी पाश्चात्य शैली है उसके उसके उसको चालू करने के लिए कई तरह के और कई कला समूह बनाए गए थे, जिसमें सबसे पहला था कलकत्ता कला समूह। कलकत्ता कला समूह की स्थापना 1943 में प्रदोष दास गुप्ता एवं निरोध मजूमदार द्वारा की गई थी। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कलकत्ता कला समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। प्रदोष दास गुप्ता ने ब्रिटेन में मूर्ति कला का अध्ययन किया था। वहां लंदन ग्रुप नामक सक्रिय संगठन से प्रभावित हुए एवं भारत आकर कलकत्ता कला समूह की स्थापना की। इस समूह में निरोध मजूमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष, हेमंत मिश्रा, प्राण कृष्ण पाल, सुनील माधव सेन की सहभागिता हुई। समूह द्वारा पुराने विश्वासों, धारणाओं, अभिव्यक्ति के माध्यमों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई और नए रूपाकारों में नई कला की भाषा को आरंभ किया गया। इस नई दृश्यात्मक भाषा में नए भौतिक परिवेश की भी झलक दिखाई देती है। कलकत्ता कला समूह के सदस्यों की शैलियों पर आरंभ में पिकासो, ब्रास, मातिस, हेनरी मूर आदि पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव अधिक रहा। यानी कि ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं ये सभी पाश्चात्य कलाकार थे, इनका प्रभाव देखने को मिला था। बाद में इन कलाकारों ने निजी शैलियां विकसित की। समूह में वामपंथी लेखकों व कवियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। समूह की प्रमुख प्रदर्शनियां 1943, 1944, 1945, 1947 और 1953 में आयोजित हुई, जिन्हें बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई। और इन प्रदर्शनियों ने उस समय के कला समीक्षकों एवं अन्य कलाकारों को भी प्रभावित किया, जिसमें नए कला संगठन उदित हुए। यह समूह लगभग दशक 1943 तक अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाने में सक्रिय रहा, किंतु 1953 के बाद इसकी सक्रियता कम हो गई एवं कलाकारों ने अपने निजी स्तर पर कार्य करना आरंभ किया। भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय कला विचारों को विकसित करने के लिए इस समूह का विशेष योगदान रहा। यानी कि 1953 के बाद में इसका प्रभाव बहुत कम हो गया। जितने कलाकार के द्वारा ये समूह बनाया गया था सब अपना अपना अलग अलग कार्य करने लगे, अपने स्तर पर ही कार्य करने लग गए, यानी उन्होंने समूह इस समूह को छोड़ दिया था। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, 1940 का दशक भारतीय कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस समय एक और बंगाल शैली के कलाकार कार्य कर रहे थे, साथ ही अनेक कलाकार पाश्चात्य प्रभाव में कार्य कर रहे थे। यानी कि दो ग्रुप बढ़ चुके थे, एक तो थे जो पुरानी शैली बंगाल शैली में कार्य कर रहे थे और कुछ
कुछ एक ग्रुप जो था वो पाश्चात्य शैली में कार्य कर रहा था। इसी दशक में मुंबई के कला जगत में भी नवीन प्रयोग आरंभ हुए एवं 1947 में सूजा, लजा एवं आरा नामक कलाकारों ने एक ग्रुप बनाने की योजना बनाई जो प्राचीन परंपराओं, नियमों व बंधनों से मुक्त हो। इसके लिए उन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैक, जिसका शॉर्ट नेम था पैक के नाम से एक संगठन बनाया। इस समूह में 6 कलाकार थे, आरा, सूजा, रजा, बाकरे, गाड़े व हुसैन। ये 6 कलाकार इसमें थे। इस समूह के कलाकारों ने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में लेख भी छपवाए। 1949 में इस समूह की प्रथम प्रदर्शनी हुई जिसमें कलाकारों, समीक्षकों एवं सामान्य लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। हॉटवेल, रूडी लीडेन, हरमन गोवेट्स आदि कला समीक्षकों एवं अनेक पाश्चात्य संग्राहकों ने इनकी कृतियां खरीदी, जिससे इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई, यानी कि इनका नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी गया। इस समूह के सदस्यों ने निरंतर विदेश यात्राएं भी की जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय कला आंदोलनों से परिचित एवं प्रभावित हुए। इन कलाकारों ने ज्यामिति आकारों व तेज रंगों के विविध सामाजिक विषयों एवं घटनाओं को चित्रित किया। प्रत्येक कलाकार की अपनी एक निजी शैली रही, यानी कि सबका एक अपना अपना अलग स्टाइल रहा। 1949 के बाद इस समूह में कुछ नए सदस्य जुड़े, जो भी एस गायकोर, कृष्ण खन्ना, अकबर, पदम सिंह, तैयब मेहता एवं राम कुमार थे। प्राय इन कलाकारों पर पिकासो, मातीस व अन्य पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव था। इस समय के कलाकारों ने भारतीय कला की प्रगतिशील धारा का प्रतिनिधित्व किया। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने कला बाजार में कलाकारों को स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। आज भी इस समूह के कलाकारों के चित्र बहुत ऊंचे दाम पर बिकते हैं। 1953 के बाद इस समूह की सामूहिक गतिविधियां कम हो गई एवं कलाकारों ने व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने भी आरंभ कर दिए, यानी कि 1953 के बाद इनकी भी ग्रुप में मतलब काम करना इन्होंने थोड़ा कम कर दिया और सब अपना अपना अलग अलग काम करने लग गए थे। शिल्पी चक्र कला जीवन को प्रदीप्त करती है के आदर्श वाक्य के साथ 25 मार्च 1949, यानी कि 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्प चक्र की शुरुआत की गई थी। बीसी सान्याल और धनराज भगत ने दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना करी। अन्य कलाकार जो बाद में शिल्पी चक्र के सदस्य थे उनमें थे हर कृष्ण लाल, केसी आर्यन, दमयंती चावला, दिनकर कौशिक, जया अप्पा स्वामी, श्रीनिवास पंडित और ब्रजमोहन भानुत। ये सब शिल्पी चक्र के सदस्य जो ग्रुप बना था उसके सदस्य थे। चक्र ने अपनी घोषणा पत्र में घोषित किया, समूह समझता है कि कला को एक प्रतिनिधि के रूप में जीवन से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि जो कला जो है वो हमारे जो लाइफ है उससे अलग पार्ट नहीं है, वो हमारे लाइफ ही है। एक राष्ट्र की कला का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र के लोगों की आत्मा की अभिव्यक्ति हो एवं उसकी उन्नति की प्रक्रिया में योगदान करे। समूह ने घोषित किया कि कला के प्रचार प्रसार के लिए सभी कलाकारों को साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा ताकि देश की राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत को संरक्षण और प्रगति मिल सके। दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य केवल कार्यरत कलाकार ही थे परंतु वे सभी लेखक, कवि, नाटककार, कला आलोचक, संगीतकार भी थे, यानी कि वो पेंटिंग के साथ साथ में और भी दूसरे तरह के आर्टिस्ट भी थे जिनके विचार चक्र से मिलते जुलते थे। उनका भी संस्था की गतिविधियों से जुड़ने पर स्वागत किया गया। समकालीन कला के विकास के लिए दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्यों ने 1949 के आसपास चांदनी चौक, करोल बाग, विश्वविद्यालय परिसर, सरीखे स्थानों पर अपने कार्य की प्रदर्शनी
आयोजित की। चक्र द्वारा आयोजित संगोष्ठियों प्रदर्शनियों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली, यानी कि उन्होंने जब ये जो फेमस एरिया थे दिल्ली के, जैसे चांदनी चौक, करोल बाग और जो विश्वविद्यालय थे उनके आसपास ही अपनी जो उन्होंने पेंटिंग लगाई, प्रदर्शनियां लगाई थी, एग्जीबिशन लगाई, और उनको वहां से भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, उनको अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। व्यंग चित्रकार शंकर पिल्ले ने मैसोनिक हॉल में कार्टून ड्राइंग पर सत्र आयोजित किया। धीरे धीरे चक्र का विस्तार हुआ, कई छात्रों कलाकारों ने इसकी सदस्यता ली। इनमें कुछ प्रमुख थे, कौन कौन से इसमें जो स्टूडेंट थे वो ऐड हुए थे, जैसे कि देवयानी कृष्ण, सतीश गुजराल, राजकुमार जे, स्वामीनाथन, रामेश्वर बटुला बरूटा, राजेश मेहरा, विशंबर कुमार, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद, परमजीत सिंह और अर्पिता सिंह। चक्र ने एक ऐसी एजेंसी के निर्माण का प्रयास किया जिसके माध्यम से इसके सदस्य द्वारा कलाकृतियों की बिक्री का आयोजन व्यावसायिक आधार पर किया जा सके। व्यावसायिक आधार पर यानी कि लोग जो आर्टिस्ट उसमें जुड़ रहे थे वो अपनी पेंटिंग को अच्छे दामों पे बेच सके, ताकि उन्हें अपनी आजीविका चला सके। अतः मेमर्स धूमिमल धर्मदास के श्री राम बाबू की सहायता से 7 अक्टूबर 1949 को भारत में अपनी ही तरह की पहली दीर्घा का उद्घाटन कनॉट प्लेस में इसके अहाते में किया गया। कला के प्रचार प्रसार और कलाकारों के हितों की और शिल्पी चक्र का ये महत्वपूर्ण प्रयास था। दिल्ली शिल्प चक्र का मुख्य उद्देश्य था प्रभावी गतिविधियों और कार्यक्रम द्वारा कार्यरत कला संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच करना, कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास किए गए थे। कलाकृतियों को कलाकारों के सामने इस उद्देश्य से प्रदर्शित किया गया ताकि उन पर खुलकर चर्चा हो सके। चक्र ने सदैव अपने उस घोषित विश्वास के साथ कार्य किया कि कला और संस्कृति का संबंध सभी लोगों से है, तथा यह भी सृजनात्मक कला का संदेश लोगों तक पहुंचाने में एक कलाकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोगों में बढ़ती जागरूकता से कलाकार का हित ही होता है। चक्र के कलाकारों ने नए उत्साह के साथ और अभिव्यक्ति की नई शैलियों के साथ युवा कलाकारों को आकर्षित किया, परंतु चक्र के बहुत से कलाकार अपनी कला को पारंपरिक भारतीय कला से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपने कार्यों में सामाजिक यथार्थता को उजागर किया, अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सामाजिक महत्व प्रतिपादित करते हुए दिल्ली शिल्प चक्र के कलाकारों का योगदान भारतीय समकालीन कला के विकास में बहुत ही सार्थक रहा। यानी कि उन्होंने जितने भी कार्य किए वो भारतीय कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। उनके द्वारा ही पाश्चात्य कला का भारत में विकास हुआ, और जो लोग थे वो कई जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, वो भी कला से जुड़ते गए और उन्होंने भी कला में कई तरह के कार्य किए। अब जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है, प्रमुख आधुनिक कलाकार कौन कौन से थे, ये एक टॉपिक और है, इसमें एक टॉपिक और कवर करेंगे हम इस वीडियो में। जो हमारा प्रमुख आधुनिक कलाकार है उसमें एक जो है भावेश चंद्र सान्याल, उनके बारे में पढ़ेंगे। भावेश चंद्र सान्याल का जो जन्म हुआ था असम में हुआ था 1904 में। 1904 से लेकर 2003 तक का इनका कार्यकाल था, मतलब ये इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। भावेश चंद्र सान्याल का जन्म डिब्रूगढ़ असम में 1904 में हुआ था। सान्याल परिवार मूल रूप से श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। श्रीरामपुर कॉलेज में पढ़ाई के बाद सान्याल महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे। 1923 ईस्वी में चित्रकार बनने की इच्छा उन्हें कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में ले गई, यानी कि उन्होंने 1923 में जो कलकत्ता का गवर्नमेंट ऑफ आर्ट स्कूल था वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। 1929 में सान्याल लाहौर चले गए और वहाँ 18 साल तक रहे। वहाँ मेयो स्कूल में पढ़ाया और फिर अपना स्टूडियो लाहौर ललित कला
विद्यालय स्थापित किया जो कला संस्कृति की गतिविधियों का केंद्र बन गया एवं इसमें अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया। 1947 ईस्वी में जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद ये दिल्ली आ गए और स्वतंत्र रूप से कलाकारों को लेकर दिल्ली शिल्प चक्र नामक संस्था बनाई। अभी हमने पढ़ा था दिल्ली शिल्प चक्र, उसी में ही ये भी थे। सान्या ने दिल्ली पॉलिटेक्निक में ललित कला संकाय में प्रोफेसर में विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सान्या ने अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जापान आदि देशों की यात्राएं की एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया। यानी कि इन्होंने जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की जो एग्जीबिशन थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया और अपनी पेंटिंग्स उसमें लगाई थी। सान्याल के चित्रों में परंपरा एवं आधुनिकता के बीच आकर्षक संबंध दिखाई देता है। सान्याल ने चित्र एवं मूर्ति दोनों विधाओं में अनेक माध्यमों में कार्य किया है। यानी कि उन्होंने चित्रकला के साथ साथ मूर्ति कला पे भी कार्य किए हैं। इनके प्रमुख चित्रों में गोल मार्केट के भिखारी, शिव मुखाकृति, राजस्थानी महिला, आत्मचित्र, कांगड़ा की स्त्री एवं अनेक दृश्य चित्र हैं। कांगड़ा की स्त्री जो इनका चित्र है उसके बारे में देखेंगे। यह चित्र सरलीकृत आकारों में चमकीले रंगों में बना है। स्त्री को प्राथमिक रंगों लाल, पीले व नारंगी रंग में बनाया गया है। चित्र में प्रयुक्त अन्य रंग नारंगी व हरा आदि भी ताजगीपूर्ण प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, जो कि हम पिक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा जो कलर यूज किया गया है ग्रीन ऑरेंज का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है और जो एक औरत बनाई गई है उसको देखिए आप ब्लू कलर और रेड कलर में बनाया गया है और इसमें सिंपल बहुत ही इजी लाइंस में बना के ये चित्र बनाया गया है जो उनका काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। ये हमने भावेश चंद सान्याल के बारे में पढ़ लिया है। इनका जो मेन चीज़ें है, पहली बात कि इन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेंट ऑफ स्कूल में एडमिशन लिया था 1923 में, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने लाहौर में अपना एक आर्ट स्कूल खोल लिया था, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया था तब ये वापस दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में इन्होंने फिर दिल्ली शिल्प चक्र में अपना मतलब सदस्य बने और वहाँ के कलाकारों को काफ़ी कुछ सिखाया और उन्हें आगे लेके गए। तो ये हमारा चैप्टर नेक्स्ट जो हमारा इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम नारायण श्रीधर बेंद्रे से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।